गाइडलाइन को तोड़ते हुए कोचिंग सेंटर संचालक कुछ को संचालक करने लगे, जिसकी फनक अधिकारियों को लगी तो अधिकारियों ने छापेमारी की और कुरौली में कोचिंग सेंटरों को पकड़ा है। बताते चले कि कस्बा कुरौली में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में ही काफी समय से कोचिंग सेंटरों का संचालन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कोचिंग संचालकों द्वारा हाई कोर्ट के निर्देशों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बिना सोशल डिस्टेंस के साथ कोरोना जैसी मौत की घड़ी में अपनी जेब भरने के लिए बच्चों की जान को जोखिम में डाले जाने का काम किया जा रहा है, जिसे देखते हुए शुक्रवार की सुबह खंड शिक्षा अधिकारी वर्मा ने कस्बा कुरौली के मोहल्ला सुजरई में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर पर पहुंचकर छापेमारी की तो देखा कि बच्चे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अध्ययन कर रहे थे। एबीएससी द्वारा कोचिंग सेंटर को संचालन करने वाले असतेंद्र पुत्र मनमोहन निवासी रोशनपुर से कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो उनके पास कोचिंग सेंटर के नाम पर कोई कागजात नहीं दिखा पाए। एबीएस सुमित कुमार वर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान स्कूलों जैसे क्लासेस चलते हुए पाए गए कोचिंग के नाम पर अभिभावकों से अवैध फीस वसूली की जा रही है। कोचिंग सेंटरों का गोरख धंधा चलाने वाले संचालकों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान कुल 18 छात्र छात्राएं अध्ययन करती हुई पाई गईं, जिनके पास ना ही मास्क था और ना ही उनकी स्क्रीनिंग कराई गई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। सर, ये अभी तथागत कोचिंग सेंटर के नाम से आपने छापामार कार्रवाई की है, यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ते हुए मिले हैं, तो इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं सूचना मिली थी कि लॉकडाउन में जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन करते हुए कोचिंग चलाई जा रही है।